चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं उनके लिए गुड न्यूज ये है कि एनटीए ने एक पब्लिक नोटिस जारी किया है, जिस पब्लिक नोटिस में ये कहा गया है कि जो एएफएमएस के लिए आर्मी का बीएससी नर्सिंग के लिए अलग से इंट्रेंस एग्जाम होता था वो इंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा अभी, और उसमें एडमिशन जो आर्मी के बीएससी नर्सिंग के कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन नीट स्कोर पर ही होगा। तो ये गर्ल्स कैंडिडेट के लिए सबसे अच्छी खुशी की बात ये है कि अब उनको कोई अलग से इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी नहीं करनी होगी, सिर्फ नीट स्कोर पर ही इन कॉलेजेस में एडमिशन होगा। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं हम इस नोटिस के बारे में, और फिर इन्होंने जो नीट के एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट 6 मई 2022 थी उसको भी एक्सटेंड करके 15 मई 2022 कर दी है। तो आइए एक बार नोटिस देख लेते हैं। नोटिस में साफ कहा गया है कि जो आर्मी के कॉलेजेज हैं एएफएमएस के अंडर जो कॉलेजेज आते हैं बीएससी नर्सिंग, जिसमें एएफएमसी पुणे है 40 सीट्स हैं उसमें बीएससी नर्सिंग की, इसके बाद में कॉलेज ऑफ नर्सिंग कोलकाता है 30 सीट्स हैं उसमें, उसके बाद में कॉलेज ऑफ नर्सिंग मुंबई है उसमें 40 सीट्स हैं, कॉलेज ऑफ नर्सिंग न्यू दिल्ली में 30 सीट्स हैं, लखनऊ में 40 सीट्स हैं, बेंगलोर में 40 सीट्स हैं। तो ये टोटल 226 सीट्स हैं जिनमें फीमेल कैंडिडेट का एडमिशन होता है। फीमेल कैंडिडेट के लिए ही ये बीएससी नर्सिंग की सीटें हैं, तो इनमें एडमिशन अब नीट स्कोर पर होगा, और ये सबसे अच्छी खुशी की बात है क्योंकि अलग से इनको इंट्रेंस एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। ये इनके फॉर्म कब निकल जाते थे स्टूडेंट को पता ही नहीं चल पाता था, हालांकि हम इस प्रकार की वीडियो बना देते हैं जब ये फॉर्म अप्लाई होते हैं कौन से फॉर्म कब अप्लाई होने हैं, लेकिन फिर भी इस प्रकार के फॉर्म स्टूडेंट से छूट जाते हैं और उनको प्रॉब्लम होती है। तो अभी अलग से इंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है एएफएमएस के लिए, जिसके अंडर ये 6 कॉलेजेस आते हैं। अभी इसमें एडमिशन बीएससी नर्सिंग में एडमिशन नीट स्कोर पर ही होगा, तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा हिंट ये दे देता हूँ कि जो बीएससी नर्सिंग इन आर्मी के अंदर बीएससी नर्सिंग करवाया जाता है और फिर आर्मी के अंदर ही सर्विस दी जाती है, तो इसमें जो सर्विस दी जाती है वो परमानेंट कमीशन के तौर पर सर्विस दी जाती है, यानी कि फर्स्ट ग्रेड सर्विस दी जाती है इसमें, और ये बहुत ही अच्छी सर्विस है बीएससी नर्सिंग में इन आर्मी कॉलेजेज में, आर्मी के द्वारा ही इनमें सर्विस दी जाती है। तो जो कैंडिडेट्स इसके बारे में नहीं जानते हैं, मेरे चैनल पर इसका एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, कितनी पे स्केल है, क्या इसमें अपॉर्चुनिटी है, तो आप वो वीडियो सर्च करके देख सकते हैं इसके बारे में। एक बार शेड्यूल के बारे में देख लें तो ये 15 मई 2022 तक जो नीट के एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी डेट एक्सटेंड हो चुकी है, तो आप इस डेट तक ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये जानकारी थी एनटीए के नोटिस के बारे में। मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।